नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरण का मतदान हो चुका है और 13 तारीख में 4वें चरण का मतदान भी होना है। हमारे साथ मौजूद है 13 महीने तक किसान आंदोलन के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने वाले DIG पद पर रहे लखविंदर सिंह जाखड़ जी। तो जाखड़ साहब, किस तरीके का माहौल 3 चरण का जो मतदान हुआ है आप पूरे देश में देख रहे हैं अभी? मैं काफ़ी जगह गया हूं और ये BJP के कुशासन के और जो उन्होंने धार्मिक कट्टरता पैदा करने की कोशिश की है और संविधान को खतरा पैदा किया है ये, और इन्होंने लूट की है आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, छोटे व्यापारी की, और सारा घर भराया अडानी अंबानी का। उस चक्कर में BJP का भारी विरोध है। आप देखिएगा, 400 पार की बात हो रही है लेकिन 200 पार नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, अब तो अडानी अंबानी भी चुनाव में आ गए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं काला धन टेम्पो में भर के भेजा जा रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री सो रहे थे, तब ED क्यों नहीं गई उनके घर? और अगर कोई साधारण लीडर है उसको अपनी तरफ करना है तो उसको डराने के लिए ED चली जाती है उसके घर बिना बात के। अब कहाँ ED? अब कहाँ थी ED जब टेम्पो में भर भर पैसा जा रहा था? तो ED है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ थी? इसीलिए कहा जा रहा है ये भाई बंधु थे, लेकिन अब क्योंकि खतरा हो गया, ऐसे हो गया है भी सरकार जा रही है, तो हो सकता है इनके रुझान बदले। जाखड़ साहब, एक सिपाही तक का ओहदा लोग नहीं छोड़ना चाहते, युवा घंटों दौड़ लगा रहे हैं सड़कों पे एक सिपाही तक बनने के लिए, आपने DIG पद तक को ठोकर मार दी, ऐसे क्या हालात बने, ऐसी क्या वजह बनी? हाँ, पहले तो जो आपने कहा लोग रेस लगाते हैं, देखिए सबसे बड़ी हरियाणा में खड़ा हूँ मैं। हरियाणा और पंजाब में काफ़ी रिक्रूटमेंट होती थी इंडियन आर्मी में, और मैं आपको बताऊँ मैं भी पहले आर्मी में रहा हूँ, 7 साल वहाँ नौकरी करी है मैंने। अग्निवीर की जो स्कीम है वो स्कीम देश के लिए घातक है। ट्रेनिंग आते आते जब तक उस सिपाही को पता चलेगा कि देश की रक्षा कैसे करनी है, लड़ाई कैसे करनी है, स्पेशली उन हालातों में जब विदेश के जो हमले हमारे दुश्मन हैं वो ऑटोमेटिक वेपन्स में जा रहे हैं, उनकी फौजें तगड़ी हो रही हैं, तो अग्निवीर की गलत है स्कीम। उसकी बजाय सिपाही को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और लंबे समय तक उसको नौकरी करनी चाहिए, ताकि जो उसको ट्रेनिंग दी उससे देश को फायदा हो, देश की सुरक्षा रहे। आगे बात आपने करी, आपने DIG पद क्यों ओहदा क्यों छोड़ा? देखिए, मैंने जो भी हासिल किया वो मेरे पिताजी ने मेहनत करी थी बतौर किसान, और जब किसानी पर इतना बड़ा समस्या आ गई तो मेरे को लगा कि मेरे को अपने भाइयों के साथ खड़ा होना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना जो हमारे जीवन शैली के उल्ट हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम के उल्ट हैं। तो इसलिए हम किसान आंदोलन में गए थे और किसान आंदोलन में हमारी जीत हुई थी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप करनाल में खड़े हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे आप मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ से चुनाव मैदान में है, 13 महीने तक हरियाणा सड़कों पर रहा किसान आंदोलन के दौरान, आज खट्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में जाने की तैयारी है, किसान किस तरीके से जवाब देना चाह रहा है? किसान मजदूर जो हैं वो दिल से BJP के उल्ट हैं और दूसरों कैंडिडेट्स के साथ हैं। तो यहाँ जो मैं आया हूँ, मेरा भी मकसद यही है कि BJP हारे, क्योंकि खट्टर ने हमारे किसानों पर अत्याचार किया था, वहाँ पर बैरिकेड लगाए, बैरिकेड लगाना चलो लगा लिया, 2 घंटे रोक लेते, 10 घंटे रोक लेते, गैर संविधानिक काम किया, यहाँ तक कि वहाँ पर फोर्स जो डिप्लॉय है उसने हमारे किसानों पर फायरिंग भी करी और हमारा एक किसान शुभकर्ण की डेथ हुई। तो ये गलत है, गैर संविधानिक है। सर, आज जब खट्टर साहब गांव में जा रहे हैं, यहाँ के करनाल के वीडियो, किसान विरोध कर रहे हैं, आपने क्या दिया था? आप इस प्रांत के राजा थे, मुख्यमंत्री राजा होता है, आपने अपने लोगों को क्या दिया? कील दिए रास्ते में, डंडे दिए, गोली दी, हथगोले दिए, और आपको क्या मिलेगा? आप सोचते हो कि हम लोगों को डंडे से दबाएंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं है? प्रजातंत्र की ये खूबी है, अगर कोई लीडर आपको गलत बोलता है तो आपका हथियार क्या है, उसके अगेंस्ट वोट डालेंगे। तो ये अधिकार इस्तेमाल करें, और यहाँ पर मैं आया हूँ
खट्टर की हार देखने के लिए, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बुद्धि राजा को। तो मैं अपील करता हूँ लोगों को कि बुद्धि राजा को वोट दें, खट्टर को हराएं। खट्टर को हराना जरूरी है क्योंकि उसने किसानों पर अत्याचार किया, गोलियां चलाई, जान भी गई किसानों की। तो ये गैर संवैधानिक काम है जो खट्टर ने किए। और अब अगर गांव वाले विद्रोह कर रहे हैं, इसको डंडे वगैरह पत्थर वगैरह मार रहे हैं, तो वो भी गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गलत है। पर जैसा बोया वैसा बीजा, जो उसने बोया था वो उसको मिल रहा है। तो आपके लिए कांग्रेस ही विकल्प क्यों है फिर? यहाँ पर कैंडिडेट तो दूसरे भी हैं। यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर होता तो हम जरूर ये कहते भी वो दूसरे को जिता। आप बताओ और कौन से कैंडिडेट हैं? मैंने तो है, और इनेलो के गठबंधन में है मराठा गठबंधन में। नहीं, मेरे को यहाँ पर सर्वे करके आप देखो, आप तो प्रेस में हो, आपको सर्वे से पता चल जाएगा क्या मैं मान रहा हूँ कि ये जीतेगा, दिवांशु जीतेगा, दिवांशु बुद्धि राजा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा लगता है। तो किसान अपने दर्द पर जवाब ईवीएम का बटन दबा के देने वाला? देने देंगे, जवाब देंगे। और ये कोई रास्ता हमारा बंद नहीं हुआ है। अगर ये बाद में मान लो ये कांग्रेस सरकार या जो भी सरकार बदलाव आती है, अगर हमारे अधिकार नहीं देगा तो हम फिर लड़ेंगे। हमारा काम है लड़ना और आगे बढ़ना, बढ़ते रहेंगे।